हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने करनाल दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस माल रोड पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों के साथ रेस्ट हाउस में मीटिंग की गई। उन्होंने बताया कि उनका विधानसभा क्षेत्र होते हुए वह समय समय पर करनाल में अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, करंट इश्यू पर बात करते हैं और विकास कार्य का रिव्यू करते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग ली गई है और विकास कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा राम रहीम मामले में डीसी व एसपी मामले को देख रहे हैं, जो भी उचित रिपोर्ट होगी उसको देखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां करनाल के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की माता की अचानक मृत्यु होने पर शोक संपत्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के स्थानीय नेता व उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो मीटिंग ली गई है, किस अधिकारियों के साथ जब मैं आता हूँ तो सामान्यतया जितने भी इशू होते हैं यहाँ के नए इशू जो इनकी ओर से पता लगता है या जो पुराने इशू पहले से होते हैं उनका जरा एक रिव्यू कर लेते हैं, कौन से काम हो गए, कौन से रह गए हैं। तो जनरल मीटिंग से भी उनके साथ बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे, बाद में मेरे कॉरपोरेशन के अधिकारी वो बैठे और कुछ पब्लिक के लोगों के काम जो होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक भी हूँ, विधायक के नाते मेरा जो एक रूटीन का जो टूर होता है उसके अंदर जो आज हमारे जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया था, इस नाते से कंडोलेंस के लिए मैं वहाँ भी गया था और अभी मेरा दिल्ली का कार्यक्रम है, तो विशेष कार्यक्रम का मानता नहीं था, केवल आते हुए कुछ काम है। सर, एक एमरजेंसी के समय जो कल घोषणा की गई जो जेल में गए हैं 5 लाख रुपए मिले, आपको क्या मामला? ऐसा कि आयुष्मान भारत में उनको भी जोड़ने की बात पहले कही गई थी, लेकिन बाद में उस पर थोड़ा ऐतराज़ हुआ कि आयुष्मान भारत तो उसमें परिवार की जो 5 लाख रुपए की योजना है जो SCCC डाटा में जिनके नाम है उन्हीं को मिलेगी, अब इनके सबके नाम उसमें नहीं थे, तो इनके लिए उसी घोषणा को रिवाइज किया हमने कि अब जो ऐसे लोकतंत्र सेनानी हैं जो जेलों में उस समय गए थे उनको उनकी पत्नी को या पत्नी गई तो पति को, ऐसे जो कपल को इंडिविजुअली जो भी कोई ऐसा मेडिकल का खर्च होगा 5 लाख रुपए तक का उनका जो मेडिकल खर्च है उसको रिइंबर्स किया जाएगा। सर, एक राम रहीम को लेकर काफ़ी चर्चा है, पैरोल को लेकर मैंने कल बता दिया सर कि ये DC और SP का जो आपस में उनकी रिपोर्ट जो आएगी विषय नहीं है, जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से दिया गया था और उनको सबको पैसे जो हैं उनके बैंकों में भेज दिए गए हैं और कभी बाद में जिलानुसार क्योंकि बड़ी संख्या है तो जिलानुसार उनके कार्यक्रम बाद में कराए जाए। सर, एक विकास प्रवक्ता है कांग्रेस के, वहाँ पर उनका मर्डर कर दिया गया, अभी प्रवक्ता है कांग्रेस के